राजकीय बहुतकनीकी कॉलेज बड़ू में स्किल इंडिया मिशन के तहत रोजगार मेले का आयोजन किया गया। मेले का शुभारंभ सांसद अनुराग ठाकुर ने किया। एक दिवसीय रोजगार मेले के लिए सुबह से ही काफी संख्या में युवाओं ने शिरकत की। रोजगार मेले में देश की 33 प्रतिष्ठित कंपनियों द्वारा साक्षात्कार लिए गए, जिसमें लगभग 3000 युवाओं को रोजगार देने की बात कही गई। इस मौके पर पहुंचे सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत युवाओं को रोजगार मुहैया करवाया जा रहा है, जिससे युवा काफी लाभान्वित हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों से प्रदेश के युवाओं को प्रदेश से बाहर भटकना नहीं पड़ेगा और उन्हें घर द्वार पर ही रोजगार दिया जाएगा। ठाकुर ने कहा कि स्किल इंडिया मिशन एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है और इसके माध्यम से युवाओं को प्रशिक्षण के साथ साथ रोजगार भी मुहैया करवाना सुनिश्चित किया गया है। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के जिला हमीरपुर में 3000 से ज़्यादा युवाओं को रोजगार देने के लिए 33 के लगभग कंपनीज आई हैं और युवाओं में जो जोश देखा गया और कंपनी के लोगों को भी लगता है कि यहाँ पर बहुत टैलेंट है और उसका लाभ उठाकर राष्ट्र निर्माण में और अपने जो रोजगार की जो दौड़ थी आज बहुत लोगों की पूरी होगी। जिन लोगों को आज रोजगार नहीं मिल पाएगा उनके लिए भविष्य में और रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। मेरा युवाओं से केवल इतना ही निवेदन है कि जहां मौका मिले रोजगार उपलब्ध हो वहां पर काम करें, उनको उससे एक्सपीरियंस मिलेगा और एक्सपोजर भी मिलेगा और एक्सपीरियंस एक्सपोजर हिमाचल के युवाओं के मेहनती होने और ईमानदार होने के साथ एक और क्वालिफिकेशन बनेगी, जिससे भविष्य में उनका और लाभ मिल पाएगा। निश्चित तौर पर स्किल इंडिया एक लगातार चलने वाली योजना है जहां पर युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाता है और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के माध्यम से ना केवल प्रशिक्षण बल्कि रोजगार मेला के भी आयोजन किए जाते हैं। तो एक तरह से प्रशिक्षित करना भी, स्किल्ड मैन पावर खड़ी करना और उनको एम्प्लॉयबल बनाना और एम्प्लॉयमेंट उपलब्ध करवाना, ये बहुत बड़ी बात मोदी सरकार ने युवाओं के लिए की है। वहीं राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के वरिष्ठ अधिकारी जैकब सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार मेले में आईटी, आईटीएस, कपड़ा उद्योग, रिटेल, स्वास्थ्य संबंधित, निर्माण क्षेत्र, कृषि औद्योगिक क्षेत्र की प्रतिष्ठित कंपनियों ने पहुंचकर बच्चों के इंटरव्यू लिए। गौरतलब है कि भारत सरकार के कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत गठित राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा इसका आयोजन किया गया। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम हिमाचल प्रदेश के कोने कोने में स्किल इंडिया मिशन को पहुंचाने के लिए कार्यरत है। वर्ष 2022 तक कौशल विकास निगम देश में 50 करोड़ लोगों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य लेकर चल रहा है।